नमस्कार, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 6 जुलाई के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आज का ऐसे राइटिंग का कोटेशन जो आर्टिकल में ही मेंशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये और अच्छा कोटेशन है। सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। ये कोटेशन का इस्तेमाल आप कई जगह पर कर सकते हैं। अगर ऐसे राइटिंग में एग्रीकल्चर या फार्मर इन किसी भी चीज़ का जिक्र आपसे करने को बोला जाए तो आप बिल्कुल इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बात कही है तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। क्लासरूम का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। नया बैच अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। साथ ही पर्सनल गाइडेंस का जो प्रोग्राम है वो भी रनिंग है 2020 अटेम्प्ट के लिए। अगर आप इसमें बैठना चाह रहे हैं और सेल्फ स्टडी में आपका रिदम नहीं बन रहा हो, आंसर राइटिंग में आपको समस्या आ रही है, तो आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। एक मेंटर होंगे जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे और सबसे अच्छी बात ये होती है इस प्रोग्राम की, आपको एक ग्रुप मिल जाता है और ग्रुप के मिलते ही आप रिदम में आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। बात करें क्लासरूम प्रोग्राम की तो वहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप होता है, स्मॉल बैच होता है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ मेंटरिंग भी की जाती है, तो ओवरऑल तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हमारा यही उद्देश्य होता है कि पूरे साल आपको मोटिवेटेड रखा जाए, बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाए और कॉन्सेप्ट्स की जानकारी अच्छे से दी जाए ताकि एग्ज़ाम में जा करके आप फाइट कर पाओ। अजय मिश्रा सर की बात करें तो ये सीनियर मेंटर हैं स्टेप अप आईएएस में। इन्होंने इसको लॉन्च किया था 2012 में प्रोफेशनली, हालांकि इनका एक्सपीरियंस इससे कहीं ज़्यादा है। स्पेशलाइज्ड कोच और फैकल्टी भी हैं ये स्टेप अप आईएएस में। तो आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए, अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हों, दुविधा में हैं कि क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं या इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़िए, आर्टिकल की तरफ चलते हैं और आज का जितना भी आर्टिकल है वो बजट के ही आसपास घूमता नज़र आएगा। तो जो राइटर्स हैं वो कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, इसमें कुछ जो नज़रअंदाज किया गया है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है इंक्रीमेंटलिज्म ओवर एम्बिशन। पेपर 3, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो सेक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ से एसोसिएट करते हैं और आइए देखते हैं क्या कहा है राइटर ने। सबसे पहले इन्होंने बजट के इंट्रोडक्शन को देने की कोशिश की है। कहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बड़े बड़े रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है, इस बार उन्होंने इसके ऑपोजिट जाकर के अपने उस हॉलमार्क को तोड़ते हुए क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म की तरफ जाने की कोशिश की है। मतलब ये चाहते हैं कि धीमी गति से सुधार हो और धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती जाए। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट पर जोर देना पड़ेगा, खास करके हमने लास्ट डिस्कशन में देखा भी था। देखिए लास्ट डिस्कशन थोड़ा सा लेट हो गया था तो प्लीज़ उसको जाकर के आप लोग देख लें, बहुत मेहनत करके पूरा वीडियो बनाई जाती है और प्रॉपर डिस्कशन के बाद आपके साथ डिस्कस किया जाता है, तो एक क्रक्स आपको मिलता है, ज़रूर वीडियो को फॉलो किया करें। थोड़ा लेट है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जल्द से जल्द ये वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया जाए। तो सर्वे में हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्राइवेट इन्वेस्टर को हमें प्रमोट करना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं भारत में, और उनके एनिमल स्पिरिट को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन बजट को देखते ही ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में डिसअपॉइंटमेंट मिला है, क्योंकि जो बीएसई सेंसेक्स है वहां पर गिरावट देखने को मिली बजट के आते ही। तो इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना आई है। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी है बजट में, आइए उसको डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार जो बजट पेश किया गया है वो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है और वो भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जो महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है, इसके पहले इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने कि एडिशनल चार्ज लिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, लेकिन मुख्य रूप से मूल रूप से अगर अभी तक किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है महिला में तो वो है मिसेस निर्मला सीतारमन। इन्होंने कहा है कि हमने फिस्कल स्टिमुलस में आकर के उसके झांसे में आकर के कोई भी फैसला नहीं लिया है इस बार। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो आप ये वर्ड का मतलब समझें कि क्या मतलब होता है फिस्कल स्टिमुलस का। देखिए जब सरकार पैसा इनक्रोच करती है मार्केट में, एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है ताकि जो मार्केट है वो रन करे, रेज करती है एक्सपेंडिचर को, तो इसको फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। और यही काम जब सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है तो उसको मॉनिटरी स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, ये बात कैसे साबित होती है, जो सेंटर है इन्होंने इस बार का अपना बजट 3.3% ऑफ द GDP रखा है कि जो फिस्कल डिफिसिट हो
वो इससे ज़्यादा ना होने पाए। वहीं लास्ट ईयर में अगर हम कंपेयर करें तो वो 3.4% तक का रखा गया था। इसका मतलब यही हुआ कि इस बार सरकार फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना नहीं चाहती, और टारगेट तो ये भी रखा गया है कि 2021 में इसको 3% पर ही ला करके फिक्स किया जाए, कि टारगेट हमारा 3% का ही होगा। अगर आपको याद हो FRBM एक्ट के बारे में, तो उसमें भी ये बात मेंशन्ड है कि जो फिस्कल डेफिसिट हो वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो रेवेन्यू डेफिसिट हो वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है उस दिशा में आगे बढ़ने की। हालांकि कुछ और बातें कही गई हैं, जैसा कि बोल्ड प्रपोजल लाया गया है, इसके अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसीज को लाया जाएगा मार्केट में, इसके लिए बॉन्ड जारी करने की बात चल रही है एक्सटर्नल मार्केट में, ताकि जो इश्यूअर्स हैं वो लोग बॉन्ड खरीदें और यहाँ पर इन्वेस्ट करें भारत में, और इससे इसके जरिए हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी। आपको एक फैक्ट यहाँ पर बता दें, ये प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा डेट किस सेक्टर में हमारा है, तो अगर हम बात पब्लिक डेट की करते हैं और एक्सटर्नल एजेंसीज़ के मामले में करते हैं, तो अभी तक वो सिर्फ 3.5% ही है। मतलब जो सेंट्रल पब्लिक डेट है एक्सटर्नल एजेंसीज का, वो सिर्फ 3.5% है। हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक चैलेंज हो सकता है। अगर हम बाहर से पैसा लेते हैं, मान लीजिए हमने बॉन्ड रेज किया और उसके बदले में हमें पैसा मिला एक्सटर्नल एजेंसीज से, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा सेकेंड लेवल पर वो क्या होगा कि फिस्कल रिस्ट्रेंट बढ़ेगा। मतलब जो अदर एजेंसीज हैं, अगर आप उनसे पैसे लेते हो तो उनका पैसा आप यूं ही खर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए खर्च करने के लिए, तो उसको आप यूं ही खर्च कर देते हैं। रिश्तेदार तो चलिए, फिर भी आप सोचते हैं, अगर आप अपने घर वालों से पैसे लेते हैं, जैसे आपके पापा पैसे भेजते हैं आपको गाँव से, तो उसको आप खर्च करने में थोड़ा कम ही सोचते हैं, आपको लगता है ठीक है तो मेरे लिए ही आया है। लेकिन आप सोच करके देखिए, अगर वही पैसे आपको ब्याज पर लेना पड़े, तो वही पैसे आपको बैंक से लेना पड़े, तो आप कोई भी स्टेप उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे, और साथ में जो बैंक पैसा आपको दे रही है वो भी आपसे कई सारी गारंटी लेगी। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, जो स्क्रूटनीज हैं वो बढ़ने लग जाएंगे इन्वेस्टर्स के, और फिस्कल रिस्ट्रेंट क्रिएट होगा भारत में। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव भी है, एज वेल एज इसका कुछ हमें काउंटर बैलेंस भी देखना पड़ेगा। तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट बताया गया है वो ये कि अभी तक जो सिक्योरिटी यील्ड है वो डाउन हुआ है। पहली बार मतलब 10 साल में एक बेंचमार्क जो फिक्स हो चुका था 6.75% पर, वो डाउन हुआ है और वो 6.69% पर आया है। वहीं पर जो रुपए है उसमें भी डॉलर के मुकाबले मजबूती आई है। अब ये सिक्योरिटी यील्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड देती है उसके बदले में उनको कम यील्ड देना पड़ रहा है। अब इसका मतलब है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो वो एक अच्छी बात है। चौथा पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिविटी में ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक जो कहती है कि हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा तभी पैसे आएंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी और उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है। साथ में कई सारे और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो सरप्लस लैंड जो कि PSUs के पास हैं उनको वो मोनेटाइज करेंगे, और उसके अलावा जो अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे PPP मॉडल से। तो ये कुछ अच्छी बातें यहाँ पर और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस किया गया है। हालांकि देखिए, एंजल टैक्स जिसको कि कम करने की डिमांड चल रही है, आपको पता है ना एंजल टैक्स क्या होता है, जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट करीबन 30% तक का टैक्स लगा देती है। तो जो स्टार्टअप होते हैं जिनके ऊपर वो पैसे जिनको मिल रहे होते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है, तो लगातार उनकी ये डिमांड है कि इस टैक्स को कम किया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ पाए और हम बेहतर काम कर पाए। हालांकि उस दृष्टि से तो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं किया गया है इस बजट में, लेकिन कुछ जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, रेजोल्यूशन किया गया है। एंजल टैक्स का एक इशू चल रहा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा वैल्यूएशंस और स्क्रूटनी वगैरह को फेस करना पड़ता था, उसको थोड़ा बहुत लाइट करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट बात ये कही जा रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को एग्रेसिवली लेने की कोशिश की जाएगी। जो टारगेट रखा गया है इस बार डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का, जो शेयर्स गवर्नमेंट देती है, 1000 करोड़ तक का रखा गया है, जिसको कि पिछली बार 90,000 करोड़ का रखा गया था। वहीं साथ में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें उनको फिर से रिकैपिटलाइज करने की बात कही गई है। 70,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो कि NPA की प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। अगर बात NBFC की करें तो उनके लिए भी थोड़ा सा सुधार लाया गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पर यह कही गई है बात कि जो स्पेशल लिक्विडिटी विंडो हुआ करती थी उसको तो अनाउंस नहीं किया गया NBFC में, लेकिन उसी की जगह पर एक
बेल आउट पैकेज लेकर के आया गया है। मतलब जो बड़ी इस्टेब्लिश्ड एनबीएफसीज हैं, जो फाइनेंशियली साउंड एनबीएफसीज हैं, उनके एसेट्स को जो बैंक हैं वो खरीद सकती है और उनको क्रेडिट गारंटी दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये एक अलग रिफॉर्म है जो कहीं ना कहीं एनबीएफसी को हेल्प करेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये एक तरीका है जिससे कि यहाँ पर कहा गया है कि गुड एप्पल को बैड एप्पल से अलग करने का ये एक तरीका होगा। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई को भी ये कहा गया है कि उनको जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो और ज़्यादा दी जाएंगी एनबीएफसीज को रेगुलेट करने के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्ट्स हैं जो एडिटर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि बजट में ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी इन्होंने हाईलाइट किया। सबसे पहला जो फैक्ट उन्होंने बताया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड बताया है, हालांकि इस पर हम एक और आर्टिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड में ये कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पूरा बजट अनाउंस किया है इसमें किसानों की तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया गया है। जो इतने दिनों से बात चल रही थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी लॉज को बदलने की, रिवाइव करने की, चेंज करने की, बिकॉज इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सेल पर, मूवमेंट पर, स्टॉकिंग पर और फार्म कमोडिटीज़ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फार्म कमोडिटीज़, उसको रिवाइव करने की आवश्यकता थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या होता है, जो किसान होते हैं उनका जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट करने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट फिक्स होती है, उससे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं। साथ में स्टॉकिंग भी नहीं कर सकते, सेल और मूवमेंट में भी प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं। तो इसको कई बार डिमांड चल रही है कि इसको कम किया जाए, हटाया जाए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा पा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जबकि फूड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन सिंगल डिजिट में चल रहे हैं कई समय से, तो क्या हम फार्मर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अ सिमिलर लैक ऑफ ये प्रपोज किया गया है कि फूड फर्टिलाइजर और क्रॉप लोन सब्सिडीज के साथ पीएम किसान इनकम सपोर्ट स्कीम दिया जाएगा और उसका जो पूरा अमाउंट है वो फिगर कुछ इस तरीके से है। तो इसको, इसका जो हाफ ऑफ अमाउंट है उसको सेव किया जा सकता था अगर सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स जो सेल किए जा रहे हैं उस पर कैप लगा दिया जाता, तो हो सकता है कि पीएम किसान जो स्कीम लाया गया है उसको एक जेन्युइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बनाया जा सकता था। कंक्लूजन में ये बता रहे हैं कि रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है और अगर पॉलिटिकल विल नहीं हुआ रिफॉर्म में और इसको एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स की तरह नहीं सोचा गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी ज़रूरत है कि वो एक एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोचे और इस पूरे मार्केट पर कॉन्सनट्रेट करके इसको रिवाइव करने की आवश्यकता है और उसकी डिमांड भी है। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन आर्टफुल बैलेंसिंग एक्ट, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में ही आप इसको एसोसिएट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वंस अगेन हम फिर से सेम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ बजट। यहाँ पर मुद्दा है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। गवर्नमेंट बजट लेकर के आई है वो काफ़ी बैलेंस बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो स्थिति है भारत की और अन्य देशों की उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, डाउन हो रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो फिस्कल स्टिमुलस का कोई प्लेस बचा नहीं था, स्पेस बचा नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई ऑलरेडी बहुत काम कर रही है, जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं वो लगे रहते हैं मार्केट में, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ाना है घटाना है ये चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एनबीएफसी का इशू है, एनपीए का इशू है, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। अभी हमने डिस्कस किया फिस्कल स्टिमुलस का मतलब, ऐसे में अगर सरकार भी पैसे मार्केट में खर्च करने लग जाएगी, एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, तो बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा आरबीआई के लिए। और कई बार जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जो हाउसहोल्ड सेविंग हुआ करते हैं, जो फाइनेंशियल सेविंग्स हुआ करते हैं, उसको पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो होती है वो बॉन्ड के माध्यम से खींच ले रही है, तो ये भी एक इशू चल रहा है मार्केट में। ऐसी इतनी डिफ़िकल्टीज़ में, इतने कंस्ट्रेंट्स में जो बजट लाया गया है वो काफ़ी वेल इंटेंशनड है, लेकिन साथ में जो चैलेंज है वो एग्जीक्यूशन का है। तो आइए हम बात करेंगे गुड इंटेंशन कैसे है, कैसे राइटर बताते हैं कि बजट लाने के पीछे क्या क्या अच्छे इंटेंशंस हैं। सबसे पहले तो बताया गया है जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेविंग डिक्लाइन हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए एक एफर्ट लगाया गया है इस बजट के माध्यम से, जैसे कि एफडीआई लिमिट्स को रेज कर दिया गया है, किस किस सेक्टर में, इंश्योरेंस में, एविएशन में, मीडिया में, ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा।
और वहीं दूसरी तरफ रिट्स, जिसका कि फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इन्वेस्ट, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखिए ये एक ट्रस्ट की तरह होते हैं। अब इसका कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको आपको, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है उसमें अदर जगह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं FPI के माध्यम से पैसे लगाते हैं, ठीक है, और इसमें जो पैसे लगाए जाएंगे उसका इस्तेमाल रियल एस्टेट के सेक्टर में किया जाएगा, उसको ईज करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। वहीं जो इन्वेस्ट होता है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, यहाँ पर भी FPIs को प्रमोट करने किया जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा रेशनलाइज करने की कोशिश की गई है, ईज करने की कोशिश की गई है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सके इस फील्ड में। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि लो और निगेटिव इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले और जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे में भारत सरकार का इंटेंशन काफ़ी सही दिख रहा है कि कैसे हम फॉरेन सेविंग्स को अपने यहाँ पर ला पाएँ, खींच पाएँ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का लालच दे करके, तो ये एक अच्छा इंटेंशन बताया जा रहा है। वहीं पर पब्लिक सेक्टर बैंक को भी रिकैपिटलाइज्ड किया जा रहा है 70,000 करोड़ रुपीस से। NBFCs के लिए भी काम किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन हाँ जो क्रेडिट गारंटी को लेकर के आई है सरकार की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगी ताकि जो फाइनेंशियली साउंड NBFCs हैं उनके एसेट्स को खरीदा जा सके। ये एक अच्छी बात है NBFCs को आगे बढ़ाने के लिए। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार का इंटेंशन इस बजट में दिखाया गया है कि वो GDP का सिर्फ 3.3% ही फिजिकल डेफिसिट को रखना चाहते हैं, ये एक अच्छा इंटेंशन है जो इस बजट में बताया गया है। अब प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटेंशन तो बहुत अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस बात पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एग्जीक्यूशन में बताई जा रही है वो ये है कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट को टारगेटेड रखना चाहते हैं, मतलब जो हमारा खर्चा है, जो हमारा उधार है वो बहुत ज़्यादा ना हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा कलेक्ट होना चाहिए। मतलब एम्बिशियस तो ये है कि 15% तक कलेक्शन होना चाहिए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, जो कि लास्ट ईयर में सिर्फ 19% पर था। तो इस साल जैसा हम जानते हैं GST रिफॉर्म आया है, इसकी वजह से कितना टैक्स टारगेट हो पाएगा ये भी एक चैलेंजिंग इशू है। दूसरी तरफ डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी काफ़ी हाई रखा गया है। अगर हम बात बैंकिंग की करें, हाँ रिकैपिटलाइज किया गया है बैंकों को, ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें काफ़ी पैसे दिए जाएंगे, लेकिन फुलफिल ये तब हो पाएगा जब प्रॉपर तरीके से कैपिटल इंसेंटिव मिले और दूसरी तरफ बैंक में गवर्नेंस रिफॉर्म आ पाए। NBFCs के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर एक टारगेटेड और टेम्प्ररी चीज़ों को, जो क्रेडिट गारंटी दी जा रही है उसका टारगेटेड होना बहुत ज़रूरी होगा, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन है बहुत ही एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर हम बात एक्सटर्नल फ्रंट पर करें तो इशू है FPI का। जैसा कि आप जानते हैं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही फिकल एंड प्रोसाइक्लिक होता है, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब FPIs आपकी कंट्री से बाहर जा सकता है। तो ऐसे में ये एक टेम्प्ररी सब्स्टिट्यूट है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का जिस पर हम लाई कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल हमने अभी तक एजेंडा और एक्सपेक्टेशंस रखे हैं वो कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा, सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं। कंक्लूजन में बताया गया है जो बिग थीम्स रखा गया है बजट में, फाइनेंशियल, एक्सटर्नल और फिजिकल का, वो बहुत ही वेल इंटेंशन होना चाहिए। साथ में जो इकोनॉमिक निडल है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक साथ चलने चाहिए इक्वल स्किल्स के साथ, तभी हम अपने इस एजेंडा को फुलफिल कर पाएंगे। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द फार्मर। ये कहीं ना कहीं इस बजट के निगेटिव पॉइंट को शो कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो बजट है उसमें फार्मर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसको भी आप पेपर 3 से एसोसिएट करें, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से। फर्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा, MK गांधी यानी महात्मा गांधी के कोटेशन से शुरुआत की, सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो ग्रामीण भारत है उस पर फोकस किया जाए, गांव, गरीब और किसान तीनों चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। और यहीं पर इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी जिक्र किया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम में ध्यान दिया गया है। ई नैम की अगर बात करें
उसमें भी काफ़ी फोकस किया गया, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। अन्नदाता यानी किसान, जिनको आप अन्नदाता समझते हैं, उनको ऊर्जादाता भी बनाया गया है। मतलब जो अभी तक जो फार्मर्स हैं उनको सोलर पावर के प्रोड्यूसर की तरह भी कन्वर्ट किया जाएगा। और यहीं पर मत्स्य संपदा योजना का भी जिक्र किया गया कि फिशरीज़ पर भी फोकस किया गया है। ये सारी बातें इस पूरे ओवरऑल बजट में इनके द्वारा कही गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो प्रधानमंत्री का प्रॉमिस है कि 2024 तक किसानों के घरों तक पाइप्ड वाटर की सप्लाई को पहुंचा दिया जाएगा, उस पर भी काम आगे चल रहा है ताकि ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो ये सारे बहुत ही लॉडेबल और अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया आर्टिकल में कि इस पूरे बजट में कहीं ना कहीं जब हम फार्मर के इनकम को डबल करने की बात करते हैं, उसका टारगेट 2022 का रखा गया है, तो उसके ऊपर बहुत कम इम्फेसिस किया गया और शायद एक एब्सेंस बताया जा रहा है कि उस पर कोई बात ही नहीं की गई है। हालांकि जब बजट एक्सपेंडिचर को देखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो वो 92% तक जंप कर चुका है और इसका कारण है पीएम किसान। मतलब पीएम किसान पर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन बाकी सारे रीजन में फोकस नहीं किया गया। जैसे कि एग्रीकल्चर के फील्ड को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम काम किया और शायद इस फील्ड को टच ही नहीं किया गया है। सिर्फ 0.37% है जीडीपी का जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन जो डिमांड है, जो ग्लोबल डिमांड है, वो कम से कम 1% तक की है जिसको खर्च किया जाना चाहिए। और कोई भी स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म नहीं लाया गया है अभी तक भारत में एग्रीकल्चर और फार्मर इनकम्स को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। पीएम किसान जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम की तरह लाया गया है एग्रीकल्चर की फील्ड में, की बात कही गई थी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज को बढ़ाने की बात कही गई थी, तो इन सारे फ्रंट्स पर काम करने की आवश्यकता है जहां पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया। इरीगेशन फ्रंट की अगर बात करें तो इरिगेशन फ्रंट आज एक अलार्मिंग इशू बना हुआ है। ऐसा आपको मालूम होगा वाटर क्राइसिस की समस्या भारत में, और साथ में जो इरिगेशन का प्रॉब्लम, मतलब ग्राउंड वाटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं पर पानी की समस्या है, पानी है ही नहीं, सूखा है, कहीं पर बाढ़ है, तो ऐसे में जो इरिगेशन प्रॉब्लम है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन शो कर रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है और इसके इफ़िशेंट यूज़ के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए कोई ज़्यादा बात नहीं की गई जिसकी आवश्यकता है करनी चाहा जा रहा है कि अगर एग्रीकल्चर रिसर्च पर कोई पुश नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सब्सिडी को रैशनलाइज करने की बात नहीं की गई, वाटर पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई, तो भारत का एग्रीकल्चर और यहाँ के मिलियन फार्मर्स किस बात पर डिपेंडेंट हैं? क्या पीएम किसान इन सारी चीज़ों को कट कर गया? मतलब जो इन्वेस्टमेंट का मुद्दा था, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुद्दा था, वो सारी चीज़ें इस पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत आकर के दब गई। क्या ये सही है? तो इस बात में सोचने की आवश्यकता है। वो किसान जिससे पूरा देश चलता है, वो एग्रीकल्चर जिससे भारत जाना जाता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप बताएंगे व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस ईयर्स बजट। इस बार के बजट प्रपोजल में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी है? तो पॉजिटिव थिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे, हालांकि आपको मिल जाएगी और आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड प्लीज विजिट दिस वेबसाइट www.stepupis.com। PDF के लिए मैंने कई बार कहा है आपको @stepupis सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको PDFs मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।